पत्थर समझा था, वो पत्थर समझ के जैसे फावड़ा काम करते करते वो उसमें फावड़ा मतलब मारा तो उसमें चिनगारी मतलब चली, वो पीछे हट गए। फिर स्वप्न में उन्होंने मतलब जो कुछ कहा वो वही सत्य होता गया। जिस शिवलिंग को सबसे पहले उस मुस्लिम युवक ने देखा था, वो पवित्र, वो अद्भुत, वो शक्तिशाली शिवलिंग यहाँ मौजूद है आपके सबके सामने। अच्छा, इसमें उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया? हाँ, बेटा भी खो दिया था। अच्छा, हाँ, और वो स्वप्न में बताया तो वही साक्षात्कार में हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है हाजी मतीन, ये वो ही मुस्लिम युवक है जिसको सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन हुए थे। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ भगवाए हिंद की यात्रा में। इस यात्रा में आपने पहले की वीडियो एक देखी है, पिछली ही वीडियो में नीलकंठ महादेव मंदिर जो बजरंग दल ने अपने संरक्षण में ले लिया है और उसको पूरी प्रोटेक्शन देके श्रद्धालुओं के लिए वो खुल गया है, तो वो वीडियो भी आपने देखी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लेकिन आज मैं आपको कहाँ लेके आया हूँ, आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर और जुड़ जाता है, वो फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर। आखिर ये कहानी क्या है, थंबनेल से आप पहचान गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल मुरादाबाद के पास ही कांठ नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये पवित्र स्थल मौजूद है। कई सालों से ये मौजूद है और इसके बारे में अलग अलग तरीके की कहानियाँ बनाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं, इसी सच की पड़ताल करने के लिए और भगवा हिंद को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ प्रकटेश्वर शिवधाम में, जो कि तहसील कांठ मुरादाबाद में स्थित है, और इसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है। वो शिवलिंग एक मुस्लिम युवक को मिला, क्योंकि वो जगह एक मुस्लिम युवक की थी, तो वो शिवलिंग दोस्तों वो एक मुस्लिम युवक को मिला, और वो मुस्लिम युवक उस शिवलिंग को मात्र एक पत्थर समझ बैठा, और पत्थर समझने की गलती उससे ये हुई कि उसने उस शिवलिंग पर फावड़ा मार दिया। फावड़ा वो चीज़ होती है जिससे खुदाई करते हैं किसान, तो दोस्तों उसने वो फावड़ा उस शिवलिंग पर एक पत्थर समझ के मार दिया, जबकि वो खुद एक स्वयंभू शिवलिंग यानी खुद प्रकट हुई शिवलिंग थी। और पास ही उसके रहता था एक जोड़ा, सांप का जोड़ा, नाग नागिन का जोड़ा, जो कि उसे अक्सर दिखाई देता था। तो जब उसने ये ऐसा किया, जो कि स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि उसने वो फावड़ा उस शिवलिंग पर मार दिया, उस पत्थर पर मार दिया जिसे वो पत्थर समझ रहा था शिवलिंग को, उसके साथ एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में उसने अपना एक बेटा खो दिया। उसने समझ में नहीं आया कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ ऐसा। और कुछ ही समय बाद उसे एक स्वप्न आया, एक सपना आया जिस सपने में खुद भोलेनाथ शिवजी महाराज प्रकट होते हैं और उसको संदेश देते हैं कि अगर उसने ऐसा फिर किया तो उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको आगे की कहानी सुनाने से पहले आपको उस शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ, तो मैं अपने साथी अतुल से कहूँगा कि लेके चलें, मेरे पीछे पीछे आएं और हम आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है प्रकटेश्वर शिव धाम। प्रकटेश्वर का मतलब है जो खुद ही प्रकट हुए हैं, मतलब जो स्वयं में आए हैं ज़मीन से निकल के। तो आइए, ये सीढ़ियाँ सीधे उसी शिवलिंग के पास जा रही हैं, आइए एक एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं और शिवलिंग के दर्शन आपको मैं करवाता हूँ। दोस्तों फिलहाल जहाँ मैं मौजूद हूँ वो स्थान बहुत नीचे है, शिवलिंग बहुत नीचे की तरफ है, आइए लेके चलते हैं। मैं दोस्तों मौजूद हूँ उस पवित्र स्थल में जहाँ पर वो शिवलिंग मौजूद है जो स्वयं प्रकट हुई थी
जिस शिवलिंग को सबसे पहले उस मुस्लिम युवक ने देखा था वो पवित्र, वो अद्भुत, वो शक्तिशाली शिवलिंग यहाँ मौजूद है आपके सबके सामने। यही वो शिवलिंग है दोस्तों जो खुद में प्रकट हुई थी। आप इसकी बनावट देखिए, देखने में ये आपको एक आम लग रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली शिवलिंग है। ऊपर से इसे जल अभिषेक हो रहा है, आप जल अभिषेक होते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कि जब ये शिवलिंग का उस मुस्लिम युवक को सपने में शिवलिंग के दर्शन हुए, यानी भोलेनाथ के दर्शन हुए, उसने अपने दोस्त जो कि एक पंडित एक ब्राह्मण है उनसे मालूमात करी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या वाकई में कुछ ऐसा है। तब उसके दोस्त वो ब्राह्मण ने उसको बताया कि जिसको वो आम पत्थर समझ रहा था असल में वो साक्षात भोलेनाथ है, साक्षात शिवलिंग है। दोस्तों पूरा प्रकरण मैं आपको कैसे समझाऊंगा, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो कि यहाँ पर कई सालों से आ रहे हैं, मथुरा से वो ताल्लुकात रखते हैं और फिलहाल आज हमें मिल गए हैं। उन्होंने हमें पूरी जानकारी इस स्थान की जो अभी तक मैंने आपको दी है मैंने उनसे ही प्राप्त करी है, जो और स्थानीय लोगों से। अब उनके पास चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर इस शिवलिंग का और ज़्यादा क्या रहस्य है। दोस्तों आगे की कहानी और आगे की पूरा विवरण देने से पहले मैं आपको इस पवित्र स्थल, इस धाम के एक एक जगह के दर्शन कराना चाहता हूँ, ताकि कभी आपका आना हो इस अद्भुत जगह में तो आपको सब चीज़ मालूम हो। फिलहाल मेरे पीछे गौ माता है, जिनका जो गौ माता है हर धाम में आपको मिलेंगी और होना भी चाहिए, क्योंकि एक सनातनी होने का इससे बड़ा और क्या महत्व हो सकता है कि आपको गौ सेवा करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों अभी हम जो है धाम परिसर देखते हैं, क्या क्या धाम में है और किस किस देवता की यहाँ पर स्थापना करी गई है। और दोस्तों जो जहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुए थे उसी के सामने यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा शनिदेव महाराज का एक भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा और आप दर्शन कीजिए शनिदेव महाराज के और आशीर्वाद उनसे प्राप्त कीजिए। आपको दोस्तों सामने आप देखिए वह मंदिर जो शनिदेव महाराज का है, और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कुछ तांबे के यहाँ पर लोटे रखे हैं जी। तो दोस्तों शनिदेव महाराज का ही मंदिर यहाँ पर भी यहाँ पर मौजूद है, स्थापित किया गया है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर सामने तांबे के कुछ लोटे रखे गए हैं। आखिर हर जगह मैं इस धाम में ये चीज़ देख रहा हूँ कि तांबे के लोटे जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा रखे जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या रहस्य है ये मालूम करते हैं और ये हमें यहाँ के स्थानीय लोग या फिर वो महाराज बता पाएंगे जो मथुरा से आए हैं। हम मंदिर के थोड़ी सी ऊपर ऊंचाई पे मौजूद हैं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है कि हम ऊपर क्यों आए हैं। दरअसल मैंने आपको अभी जो शिवलिंग दिखाए हैं उन शिवलिंग ने जो स्थान लिया था वो यहाँ पर पास में उस वक्त
उस वक्त बहती हुई नदी के बराबर में। फिलहाल वो नदी सूख चुकी है, आप लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर वैसा ही। और दोस्तों इस नदी का अभी भी इस धाम में बहुत महत्व है। क्या महत्व है? जब भी शिवरात्रि होती है या फिर सावन होता है तो लोग जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर, और उस जल को इस नदी में भी प्रभावित करते हैं, इस नदी में भी उस जल को चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये जो धाम है, फिलहाल हम ऊंचाई पे आए हुए हैं तो आप पूरा धाम यहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और अद्भुत धाम है। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करी गई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है, माँ पार्वती और शिव भगवान की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है, माता की मूर्ति, कृष्ण भगवान की, हर देवता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करी गई है। बोलता रहे। और ये अब हम आपको लेके चल रहे हैं महावीर बजरंगबली के दर्शन कराने, जो कि विराट रूप में इस धाम पर मौजूद हैं। जब भी आप पहले आएंगे सामने से, जब भी आप इस धाम पर आएंगे तब आपको सबसे पहले और दूर से ही पुल पे से ही बजरंगबली के दर्शन हो जाएंगे, और आप बिल्कुल ही आप मोहित हो जाएंगे देख के वो विराट रूप में यहाँ पर धाम के सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं। ये रहे हमारे बजरंगबली, और बिल्कुल विराट रूप में यहाँ पर धाम के बिल्कुल द्वार पर मौजूद हैं, मानो धाम की रक्षा कर रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर भगवान कृष्ण और दोस्तों यहाँ पर राधा कृष्ण की भी मूर्ति की स्थापना करी गई है। थोड़ा पास में आके देखते हैं, ये देखिए बहुत ही अद्भुत है। अब दोस्तों अब वो समय आ गया है जब मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ जो यहाँ की सभी कहानियों के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से स्वयं भोलेनाथ ने आके बताया था कि वो शिवलिंग है उस मुस्लिम युवक को। तो दोस्तों ये जगह वो है जो मंदिर परिसर या धाम परिसर में जहाँ पर साधु संत समाज बैठता है, और यहीं पर आके वो विश्राम करता है। तो दोस्तों फिलहाल जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था आपसे कि उनको पूरा प्रकरण मालूम है, वो खुद मथुरा से आए हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है कवि वेद प्रकाश व्यास जी, जो एक ब्रज क्षेत्र से भी आए हैं। हाँ। और कविताएँ भी लिखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित हैं। इनसे बात करेंगे, इस धाम के बारे में पूरा विवरण लेंगे और आपको भी बताएंगे कि ये धाम इतना प्राचीन, इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो महाराज सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ आपका, और जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं वो ये जानने के इच्छुक हैं कि जिस धाम में अभी हम लोग हैं वो इतना प्राचीन और इतना प्रसिद्ध कैसे है। वो ऐसे है जी कि ये 2006 में और उससे पहले ही निकले थे, और 2006 में ये बन के तैयार हो गए, और यहाँ दो अमरूद के पौधे थे, उनमें ये सांपों का जोड़ा रहता था नागिन का, और हमारे उमरी से हाजी मतीन जी, उनका 70 बीघे बाग इस नदी के दोनों किनारे पर था, तो इधर पूर्वी साइड में और दक्षिण की साइड में, और यहाँ भोले जी निकले, और उन्होंने बहुत प्रयास किए, क्योंकि जब यहाँ का जब हिंदू बेचारा कुछ नहीं जाने तो मतलब उन्हीं की क्या वो थी, तो वो स्वप्न में जो कुछ बताते थे और वही साक्षात्कार में होता था जी। तो उनके एक लालसा जो थी उनकी जागृत हुई, और उन्होंने 2 बीघे जमीन दे दी और 25,000 रुपये दे दिए हम इस मंदिर के लिए। अच्छा महाराज, ये कहानी भी है कि उन्होंने जो है एक फावड़ा पत्थर समझा। हाँ, पत्थर समझा था वो, पत्थर समझ के जैसे फावड़ा काम करते करते वो उसमें फाला मतलब मारा, तो उसमें चिनगारी मतलब जली, वो पीछे हट गए, फिर स्वप्न में उन्होंने मतलब जो कुछ कहा वो वही सत्य होता गया। तो जब उन्होंने यहाँ सभी को क्षेत्रवासियों को इकट्ठा करके
और दो बीघे जमीन मानी कि तुम्हारे दो बीघे में, तीन बीघे में या डेढ़ बीघे में, एक बीघे में जितना बने उतना तुम जमीन मुझसे ले लो और अपना मंदिर बना लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो वहाँ गए मुरादाबाद, मुरादाबाद के पंडित जी उनके मित्र थे। अच्छा। तो उन्होंने मतलब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ शिव जी निकले हो तो उनसे मजाक मत करो। अच्छा, इसमें उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया। हाँ, बेटा भी खो दिया था। अच्छा। हाँ, और वो स्वप्न में भी बताया तो वही साक्षात्कार में हो गया। तो तब जा कर के उन्होंने ये धोबी की जमीन दे दी। छिद्रवालों ने कहा कि धोबी की जमीन बहुत हो जाएगा। अच्छा। और जब यहाँ कथा में आई तो यहाँ पे उन्होंने 25,000 रुपये दिए। अच्छा। और मैंने फिर परिसर की कविता भी लिखी और मैं उस कविता की प्रस्तुति दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कवि वेद प्रकाश व्यास जी, मैं ब्रज क्षेत्र से आया हुआ हूँ और यहाँ इस परिसर की जो कविता लिखी है उस कविता को आप मैं आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूँ। कि त्यारी अजब कृपा हुई भोले, त्यारी अजब कृपा हुई भोले, महिमा है अपरम पार, लाढ़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनार। केवल के मनोकामना पूर्ण करो, मनोकामना पूर्ण करो जो शरण तुम्हारी आवे, और पलकी ना देरी करते जो तुम पे नीर चढ़ावे। के क्या अजब करिश्मा कीना, क्या अजब करिश्मा कीना, तुमने इस नदिया की पार, लाढ़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनार। और यहाँ से जड़ शुरू होती है कि थे हाजी मतीन उमरी के, थे हाजी मतीन उमरी के, इनके हृदय में बस के, और दो बीघा जमीन इनने भी दे दी नहीं हंस हंसके। क्या बात, के दे दिए दान में इनने रुपया 25,000, लाढ़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनार। के दूर दूर से दर्शन करते आते हैं नरनारी, मेरा भी सौभाग्य कि मैं 2008 से फागुन के महीने में और सावन के महीने में यहाँ एक एक महीने यहाँ उनकी सेवा में आई जाता हूँ और आप सबके दर्शन करता हूँ, प्रगटेश्वरी जी के दर्शन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। और हाजी मतीन मुझे बहुत अच्छी तरह से भी जानते हैं कि दूर दूर से दर्शन करने आते हैं नर नारी और मन प्रसन्न होकर जाते ये प्रगटेश्वर कृपा तुम्हारी। क्या बात, कि सच्चे मन से आते हैं तो तुम भर देते भंडार, लाढ़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनार। और यहाँ जो परिसर पर आगे इस परिसर की बता रहा हूँ शोभा, के गोरख धुना गणेश विष्णु भगवान जी मूर्ति बहुत विशाल खड़े हैं, के गोरख धुना गणेश विष्णु और दुर्गे महतारी, और राधा के संग कृष्ण खड़े और भोले के संग गौरा प्यारी। बहुत बढ़िया। राधा के संग कृष्ण खड़े और भोले संग गौरा प्यारी। के शनि देव का मंदिर प्यारा, शनि देव का मंदिर प्यारा, या के पीपल खड़ा अगार, लाढ़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनार। और आगे देखा कि बाबा जाहरवीर खड़े, सामने दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। के बाबा जाहरवीर खड़े, नीला घोड़ा असवारी, और गौ माता और नंदी बैठे। हाँ, ये गौ माता है। गौ माता और नंदी बैठे, दर्श करे नरनारी, और ले गदा पवन सुत ठाड़े ले गदा पवन सुत ठाड़े जो भरते क्षण में हुंकार, लाढ़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनार। के भक्त हैं शिव के अजब गजब, यहाँ आकर के जब देखा तो विचित्रता और कुछ दिखाई दी। के भक्त हैं शिव के अजब गजब, वो हरिद्वार से कांवर लाते, फागुन और सावन में यहाँ भोले पर नीर चढ़ाते, है प्रगटेश्वर की माया, कर देते कृपा अपार, लाढ़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनाथ। के भक्त हैं, भक्त करें कुछ शिव मंदिर पे, और देखा कि भक्त करें कुछ शिव मंदिर पे, हंस हंस के भंडारे, भक्त करें कुछ शिव मंदिर पर, हंस हंस के भंडारे, और पा करके प्रसाद, भक्त ने भोले के जयकारे, कोई हंस के नीर चढ़ावे, कोई हंस के नीर चढ़ावे, और कोई दे दूध की धार, कोई हंस के नीर चढ़ावे, कोई दे दूध की धार, लाड़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनार। तो और बताया कि लास्ट का बंद है कि वेद प्रकाश व्यास कवि मित्रों ब्रज भूमि से आए,
जी हाँ जी बिल्कुल। कवि वेद प्रकाश व्यास मित्रों, ये ब्रज भूमि से धाये और मनोकामना पूर्ण हुई जब दर्शन करने आए। क्या यहाँ करी भागवत आके, यहाँ करी भागवत आके दिल अंदर हर्ष अपार लाढ़लाबाद प्रकट हुए जो दर्शन करते नरनार। तो मैं इन शिव मंदिर के शरण में आया हुआ हूँ और मैं कोटान कोटवार हाजी मतीन जी की भारतीयता को सलाम करता हूँ। बिल्कुल के ऊपर वाले उनकी सदैव रक्षा करें, मदद करें और उनके भंडार भरते रहें भोले जी। और मैं यही अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों हमारे साथ महाराज मौजूद हैं और आपने इनकी कविता सुनी, उम्मीद करता हूँ और उम्मीद नहीं मुझे पक्का यकीन है कि आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि धाम परिसर पर पूरी तरीके से ये कविता खुद इन्होंने लिखी है। तो दोस्तों मैं जहाँ पर अभी मौजूद हूँ वहाँ पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आपने लिखा हुआ प्रकटेश्वर शिव धाम दानदाता, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया था। आप दूसरे नंबर पर देखें, थोड़ा कैमरा पास ले जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाजी मतीन। ये वो ही मुस्लिम युवक है जिसको सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन हुए थे और फिर उसने ये ज़मीन को दान में दिया, और जैसे कि महाराज ने भी जिक्र करा है उसके बाद उसने यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करे। अभी आखिर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल पर लेके चलता हूँ, आइए। दोस्तों फिलहाल मौजूद हूँ मैं जहाँ पर गोरखनाथ जी का, भगवान गोरखनाथ का धुना है। तो दोस्तों मेरे पीछे ही भगवान गोरखनाथ का धुना यहाँ पे मौजूद है, जो कि बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली है। देवताओं का यहीं धुने पे ही वास होता है, धुना देवता का और अन्य जितने भी देवता होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके से भगवाए हिंद मेरा जारी रहेगा। अलग अलग स्थान और ऐसी अद्भुत जगह मैं आपको दिखाता रहूँगा, और साथ ही साथ आपसे कहूँगा कि दोस्तों सनातन के लिए कोई भी ज़रूरत हो, कैसी भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी विवाद हो